जहां तक नजर न पहुंच पाए, इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड, रोड के बाद दूसरा मैदान और ये चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में। दोस्तों, रविवार को मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में लू लगने से लगभग 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम भूपेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक अप्पा साहेब, धर्माधिकारी के नाम से मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता दत्ता देव नारायण, धर्माधिकारी के नबी मुंबई के खार घर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, 306 एकड़ के विशाल मैदान में लाखों लोगों को चिलचिलाती धूप के बीच खुले मैदान में 6 घंटे तक बैठाया गया, जिसमें से लगभग 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कल महाराष्ट्र सरकार ने पुरस्कार वितरण का एक सरकारी कार्यक्रम रखा था। अमित शाह मुख्य अतिथि थे। 42 डिग्री तापमान, चिलचिलाती खुली धूप में घर घर में लोग 6 घंटे तक बिठाए गए। भीषण गर्मी से 11 लोगों की मौत हो गई, 600 लोगों को लू लगी और 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। खुद अमित शाह मंच से भीड़ देखकर खुश थे और ये भी बता रहे थे कि गर्मी बहुत है। उनके मंच पर छत थी, वो उन लोगों की तरह धूप और गर्मी नहीं झेल रहे थे। वहीं दोस्तों, अब इस पूरे मामले से ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 38 से 40 डिग्री तापमान के बीच कार्यक्रम को आखिर किसने रखा? क्या मुख्य अतिथि अमित शाह को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था कि इतनी ज्यादा टेम्परेचर के बीच लोगों का क्या होगा? फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज्यादा ऐसी ही न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।